देखिए कितनी अजीब बात है मेरे देश में कि अगर मैं किसी भी मंदिर में जाना चाहूं और कहीं पे पूजा करना चाहूं तो मुझे कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई आदमी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, नहीं रोकता। ऐसा क्यों है कि कुछ खास संगठन जब यात्राएं निकालते हैं तो उसके अंदर हिंसा होती है, उसके अंदर तनाव होता है। हनुमान जयंती पे यात्रा सब लोग निकालते हैं, पर कुछ खास संगठन निकालते हैं तो उसके अंदर तनाव की घटनाएं सामने आती हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को देश की छवि को बचाने के लिए अब सख्ती से इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक मामलों पे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, उनको सख्ती से निपटा जाए। एक दिलियाबी गर्व की और खुशी की बात है कि जो जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने सबसे गोल्ड मेडल जीता है। देखिए नीरज चोपड़ा तो चैंपियन है, आज देश का हर युवा नीरज चोपड़ा की तरह अपना नाम करना चाहता है। कम बोलते हैं, बेवजह नहीं बोलते, राष्ट्रीय मुद्दों पे हमेशा सजग रहते हैं, किसी कमजोर का उत्पीड़न होता है तो उस पर अपनी बात रखते हैं और भाला सबसे दूर फेंकते हैं। वर्ल्ड के अंदर मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि इस तरीके की चैंपियनशिप में हमारा एक गोल्ड मेडल आया है। पूरा देश जो है आज नीरज चोपड़ा जी का पहली फैन बन बार गया है। गोल्ड जीता था हाँ, इन्होंने ही जीता, मगर इससे पहले जो है इस चैंपियनशिप में कभी देश में गोल्ड नहीं आया। पूरा देश जो है आज जो है इनकी तरफ देख रहा है, हर युवा इनकी तरह बनना चाहता है। जो इन जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जो आपत्ति आती है बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि इंडिया घमंडिया बन गया है। देखिए समस्या तो जो है भारतीय जनता पार्टी को उस दिन से हो गई है जब से विपक्षी दल साथ आ गए हैं। ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, हर तरीके से कोशिश कर ली, मगर ये दलों का जो कुनवा जुड़ा है टूट नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का समय जो है संकट का समय है, अब रहा आसान नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने इसे लेकर कहा कि ये जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है जिन देशों के पास, उसमें रोटेशनल इसकी जो कराने की मतलब जो जगह मिलती है उसका उसका तय होता है, प्रधानमंत्री मोदी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो भारत में होना ही था कोई प्रधानमंत्री हो। देखिए चाहे एशियाड गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, और इस तरीके की समिट हो, इनमें जो भी देश जो हैं इसका हिस्सा होते हैं वहाँ पे इस समिट की प्रेसिडेंसी और ये समिट किस देश में होगी वो हर साल बदलती है। कुछ दिनों पहले मुझे लगता है पिछले साल से सऊदी अरेबिया के अंदर ये थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे पहले शायद इंडोनेशिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थी। और हर विश साल ये जो है अगले साल आप देखेंगे G20 की जो समिट है किसी और देश के अंदर होगी। तो प्रधानमंत्री अगर मोदी जी नहीं होते, कोई और होते, तो भी जो है G20 यहाँ देश में हो रहा होता, और प्रधानमंत्री जी हैं तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है गर्व जो है ये देश के लिए है। इसरो का जो रॉकेट है वो देश का है, चंद्रयान जो है वो देश का है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, वो सब कुछ जो है ये देश का नाम है। और अगर हम देश को छोटा दिखाएंगे, हम ये कहेंगे कि साहब देश तो जो था वो किसी काम का नहीं था 10 साल पहले, अब देश काम का हो गया, तो आप अपने देश को, अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादाओं को छोटा दिखा रहे हैं, जो कि किसी भी संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। एक के रूप लगातार बिजली को लेकर फ्री बिजली की वकालत करते हैं मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कल घोषणा की सितंबर तक की जो भी बढ़े हुए बिल हैं लोगों के माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गरीब महिलाएं उनके बिल 100 रुपये से ज़्यादा ना आए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गरीबों के हित में, आम लोगों के हित में राजनीति की शुरुआत की, अगर आम आदमी टैक्स भरता है, आम आदमी के पैसे से मंत्रियों की गाड़ियां और मंत्रियों के बिजली के बिल और अफसरों के बिजली के बिल भरे जाते हैं, तो उस टैक्स के पैसे से आम आदमी के बिजली के बिल क्यों नहीं भर सकते, ये बात अरविंद केजरीवाल ने पूछी। और हमें खुशी है कि आज कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग अरविंद केजरीवाल जी की इन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। जो
जो G20 की तैयारी है उसे लेकर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। बीजेपी ने उसके सवाल उठाया और कहा कि आप लोग एक तरह से क्रेडिट लेना चाहते हैं, पूरा पैसा तो पूरा फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। कल LGB लगातार वो विजिट कर रहे हैं, कल उन्होंने भी बयान दिया कि हम ये काम करा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या LG हाउस कोई एक एक्ट दिखा दें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल दिखा दें, कोई मुझे एक सेक्शन दिखा दें जिसमें LG साहब के पास 1 किलोमीटर सड़क बनवाने की सैंक्शन देने की भी पावर संविधान में दी हो तो मैं मान जाऊंगा। PWD के XCN और जल बोर्ड के XCN को भी 10 से 20 लाख रुपए की सैंक्शन करने की पावर है, LG साहब के पास नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझिए। XCN की जवाबदेही है डिपार्टमेंट के प्रति, डिपार्टमेंट की जवाबदेही है मंत्री के प्रति, और मंत्री की जवाबदेही है विधानसभा के प्रति, और विधानसभा की जवाबदेही है जनता के प्रति। जहां जवाबदेही होगी, जहां सवालों का जवाब मांगा जाएगा, वहीं पे पावर दी मिल सकती है। क्योंकि LG साहब की कोई जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति, इसलिए उनके पास 1 रुपये की भी सड़क बनाने की सैंक्शन देने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि सौरभ भारद्वाज ने नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। मगर अगर LG साहब इसके अंदर निरीक्षण करने अफसरों के साथ जा रहे हैं तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, जाना चाहिए। कल को प्रधानमंत्री जी भी जाना चाहें, गृहमंत्री जाना चाहें, उनको निरीक्षण करने से अरविंद केजरीवाल नहीं रोकेंगे। हाँ, तो अच्छा है, पूरे देश के लिए इतना अच्छा मौका है। अरविंद केजरीवाल ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा है कि भाई ये देश का मामला है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं है। देश के अंदर जो लोग आएंगे, जब वो वापस अपने अपने देशों में जाएंगे, बड़े बड़े देशों के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और जो डिग्निटरीज हैं वो वापस जाएंगे, तो वो जाके बताएं कि भारत देश की राजधानी बहुत सुंदर है, अरविंद केजरीवाल बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली वालों को वो याद करें, ये हमारी कोशिश है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र का फंड है इसमें पूरी तरह से, आप लोग क्रेडिट ले। अब देखिए, वो लोग जो है, पढ़ाई लिखाई समस्या है, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ कागज पत्री देखें तो उनको समझ में आए। कोई फंड जो है, जितनी भी सड़कें बन रही हैं PWD की, वो दिल्ली सरकार का फंड है। MCD ने जितना भी सौंदर्यकरण का काम किया, वो भी दिल्ली सरकार जो MCD को पैसा देती है, और MCD जो अपना फंड तैयार करती है, वो है। इसके अंदर जो है फंड जैसी बातों को ला के भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को छोटा कर रही है। हमने तो फंड की बात ही नहीं की, वो खुद इस बात को खोल के जो है उनको छोटा दिखा रहे हैं। हम फंड नहीं मांग रहे उनसे, ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है, इसको सुंदर दिखाना हमारा भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना किसी और का है, और हम वो काम कर रहे हैं।